दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईपीएल के फाउंडर ने ही आईपीएल के थ्रू बहुत बड़े बड़े स्कैम किए थे। अब ये स्कैम एग्जैक्टली कितने करोड़ का था ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ललित मोदी ने 1000 से 1500 करोड़ का स्कैम किया था। जी हाँ, चलो तो आज हम इस स्कैम के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है पैक स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी का जन्म 1963 में दिल्ली में हुआ था। ललित एक बिजनेस फैमिली में पले बड़े थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी और दादाजी से काफी बिजनेस स्किल्स सीखे थे। ललित ने यूएस से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कंप्लीट की थी। जब वो यूएस में थे तब वो अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। जब वो इंडिया आए तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कंसेप्ट इंडिया में लाया जाए, क्योंकि आईपीएल के पहले हम सिर्फ एक ही टीम को सपोर्ट करते थे जो थी इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, और इंडिया में क्रिकेट का क्रेज पहले से ही बहुत ज्यादा था। तो क्यों ना एक ऐसा कंसेप्ट लाया जाए जहां छोटे छोटे प्राइवेटली ओन टीम्स एक दूसरे के साथ खेलेंगे, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। 2005 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद ललित मोदी अपने आईपीएल के सपने को साकार करने में जुड़ गए, और फिर बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस के चलते उन्होंने 2008 में आईपीएल लॉन्च कर दिया। आईपीएल को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और सक्सेस मिली। इससे बीसीसीआई को तो प्रॉफिट हुआ ही, लेकिन ललित मोदी ने भी इससे अपना काफी फायदा करके लिया। जैसे जैसे आईपीएल ग्रो हुआ वैसे ही ललित मोदी का नेपोटिज्म भी बढ़ने लगा। ललित मोदी अलग अलग आईपीएल टीम्स के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को डाइवर्ट करते थे, लेकिन बाद में बीसीसीआई को ये सारी बातें पता चल गई, और फिर 2010 में ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन पोस्ट से और बीसीसीआई के वीपी पोस्ट से निकाल दिया गया। ललित मोदी ने आईपीएल के पैसों से फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे लग्जरियस प्रॉपर्टीज भी खरीदी थी, जहां उनका ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता था। जैसे जैसे उनके गुनाह रिवील होते गए, ललित मोदी के अगेंस्ट बहुत सारे आरोप बढ़ने लगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी चालू किया था, लेकिन फिर वो डर कर लंदन भाग गए। 2015 में ललित मोदी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चलते नॉन बेलेबल चार्जेस लगा दिए गए थे, लेकिन आज तक ललित मोदी कभी इंडिया वापस लौटकर नहीं आए हैं, और इतने सारे अरेस्ट वारंट्स होकर भी वो लंदन में एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो यही था आईपीएल में हुआ स्कैम। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।